ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और आइए खबरों का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि देश में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू है और निश्चित रूप से उसका पालन होना चाहिए। राज्य विधि आयोग ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की है और कुछ सुझाव भेजे हैं। इस पर किसी को दो राय नहीं होना चाहिए। सभी संसाधनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या भारी पड़ रही है। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कहा कि इस पर एक सार्थक बहस होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि प्रभावी कदम उठाए जाएं। बीजेपी समझ चुकी है कि जनता बुरी तरह से नाराज है, इसलिए लोगों को मुख्य मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश हो रही है। देश में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू है और निश्चित रूप से उसका पालन होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग ने भी बढ़ती हुई जनसंख्या पे चिंता व्यक्त की है और कुछ सुझाव भेजे हैं। और इसमें तो किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि सभी संसाधनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या भारी पड़ रही है। बीजेपी सरकार बुरी तरीके से विफल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर जा रहा है। अपराध बढ़ता चला जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार, जब आप अपराध बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार आदित्यनाथ जी के पास कोई जवाब नहीं। इसलिए ये